उद्धव ठाकरे, तुमने मुझे कल अपने भाषण में गाली दी, नमक हराम कहा। एक चीफ मिनिस्टर होके आपने पूरी स्टेट को नीचे गिराया है क्योंकि आप सिर्फ एक लड़की से नाराज है और वो लड़की आपके बेटे की उम्र की है। सत्ताएं आती जाती है, लेकिन जो इंसान एक बार सम्मान खो देता है चीफ मिनिस्टर, वो उसे नहीं पा सकता है। जय हिंद। ठाकरे, तुमने मुझे कल अपने भाषण में गाली दी, नमक हराम कहा। इससे पहले भी सोनिया सेना के कई लोगों ने मुझे गंदी गालियां दी है, धमकाया है मेरा जबड़ा तोड़ना या ओपनली मुझे मार देना या हराम खोर कहना। इस तरह की कई अभद्र गालियां इससे पहले भी मुझे सोनिया सेना ने दी है। लेकिन आप नहीं देखेंगे कि जो भी नारी सशक्तिकरण के जो ठेकेदार हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसी भाषण में आपने जो हिमालयस है, हिमाचल है, जो कि माँ पार्वती की जन्मभूमि है, उन्हें हिमाचल पुत्री कहा जाता है, लॉर्ड शिवा महादेव की कर्म भूमि है, आज भी कण कण में माँ पार्वती और शिव यहाँ बसे हुए हैं, इसे देव भूमि कहा जाता है, इसके बारे में आपने इतनी ज़्यादा तुच्छ बातें की हैं। एक चीफ मिनिस्टर होके आपने पूरी स्टेट को नीचे गिराया है क्योंकि आप सिर्फ एक लड़की से नाराज़ है और वो लड़की आपके बेटे की उम्र की है। घरी खायला मिळत नाही म्हणे मुंबई मध्ये यायचं आणि वरती दाखवायचं की आम्ही कष्ट केलेले आहेत, मुंबई महाराष्ट्राचं मीठ खायचं आणि नमक हरामी करायची, ही असली सगळी रावणी आवलात। रानावत जी के कई मुद्दों से हम सहमत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बाला साहब ठाकरे जी होते थे तो इस विषय को मिटाते थे। बहुत बार फिल्म में एक आधी फिल्म में कोई ऐसा मतलब सीन होता था और उसको निकालने के लिए शिवसेना आंदोलन करती थी, बाला साहब ठाकरे जी के पास वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर और आते थे और वो मिटाते थे। उसी तरह मुझे लगता है कि कंगना रानावत के विषय पर भी मतलब सूढ़ बुद्धि से उनके ऊपर कार्रवाई करने का जो चल रहा है ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि भाई कंगना रानावत जी को इस विषय को खत्म करते हुए उनको इसी तरह मतलब टारगेट करना, उनका बदला लेने की भावना से मतलब आगे चलना ऐसी बात नहीं है।